हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। सर्दी के मौसम में छोटे बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कभी उन्हें सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, कभी बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है, बच्चे को अपच हो जाती है, फीवर आ जाता है, रात में बच्चा सो नहीं पाता है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे को हो रही है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चे की इन सारी प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम खांसी का होना, पेट में दर्द होना, अपच होना, गैस बनना, बच्चे को नींद ना आना, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है और वो है अजवाइन। लेकिन इन सब प्रॉब्लम में बच्चे को अजवाइन को देने का तरीका अलग अलग होता है, वो भी बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 to 6 month बेबीज़ की। इतने छोटे बच्चे को हम कुछ खिला नहीं सकते, इसलिए इतने छोटे बच्चों पर हमें अजवाइन को एक्सटर्नली यूज़ करना होता है। अजवाइन में मौजूद थायमोल बच्चे के सर्दी जुकाम खांसी को बहुत जल्दी ठीक करता है। अगर बच्चा सर्दी जुकाम खांसी से परेशान है तो आप एक दवा लीजिए, उस पर 2 बड़े चम्मच अजवाइन के भून लीजिए, उसमें 3-4 लहसुन की कली डाल दीजिए और इसे मलमल या कॉटन के कपड़े पर इस अजवाइन को डालकर एक पोटली बना लीजिए। इस पोटली को बच्चे के सर के पास रख लीजिए। बच्चे के सीने में अगर बलगम जमा है तो उस पोटली से बच्चे के सीने की सिकाई करिए। बच्चे की नोज ब्लॉक है तो उस केस में आप इस पोटली को दिन में 4 से 5 बार बच्चे को सुंघाइए। आप देखेंगे कि बच्चे के सीने में जमा बलगम भी निकल जाएगा, बच्चे की ब्लॉक नोज भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है, अजवाइन की तेल से आप बच्चे की मालिश करिए, स्पेशली सर्दी के मौसम में। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अजवाइन के तेल से बच्चे की मालिश करेंगी तो आप देखेंगे कि बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होना, फीवर होना, ये सब चीज़ें बहुत कम होंगी। बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बच्चे को गर्माहट मिलेगी और बच्चे की ये सर्दियाँ आरामदायक निकलेंगी। अजवाइन का तेल कैसे बनाना है इसकी एक सेपरेट वीडियो है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर 0 to 6 month के बच्चे को पेट में दिक्कत हो रही है, गैस बन रही है, अपच हो रही है, तो उस केस में आप तवे पर अजवाइन को भून लीजिए और उसे एक कॉटन के कपड़े में उसका धुआं लीजिए और उस धुएं से बच्चे के पेट की सिकाई करिए। इससे बच्चे की गैस बहुत जल्दी पास हो जाती है। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो उस केस में, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो मदर को चाहिए कि वो अजवाइन खाएं। अक्सर ही दादी नानी माँ को अजवाइन खाने की सलाह देती हैं और ये अजवाइन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे तक पहुँचता है और जिससे बच्चे को पेट से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है, अगर बच्चा 6 month से बड़ा है और बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी है या फिर बच्चे को कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे अपच का होना या पेट में दर्द होना, तो अजवाइन का काढ़ा बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अजवाइन का काढ़ा बनाने के लिए आप 1 cup पानी लीजिए, उसमें 1 बड़े चम्मच अजवाइन के डाल दीजिए और उसे तब तक खौलने दीजिए जब तक वो पानी आधा ना रह जाए। फिर इसे छान लीजिए और दिन में 2 बार 1-1 spoon बच्चे को पिलाइए। इससे बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी में भी आराम मिलता है, बच्चे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी रिलीफ मिलता है। और अगर बच्चा 10 month से बड़ा है तो अजवाइन का काढ़ा बनाते समय आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो इसमें आप हनी मिलाकर बच्चे को पिलाइए। इससे बच्चे की सर्दी जुकाम खांसी में तुरंत आराम मिलता है। नेक्स्ट है, कुछ बच्चों को मिट्टी खाने की बहुत आदत होती है, तो दादी नानी के अकॉर्डिंग अगर आप अजवाइन को भूनकर उसका पाउडर बनाकर रात में 1/2 चम्मच बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चे की मिट्टी खाने की आदत भी छूट जाती है। नेक्स्ट है, अगर डिलीवरी के बाद माँ अगर अजवाइन के पानी को पीती हैं तो उनका पेट भी कम होता है, उन्हें गैस भी कम बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।